हेलो फ्रेंड्स, मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मल्टीटेक की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि काफी सारे टिप्स एंड ट्रिक हम देते रहते हैं, प्रैक्टिकल का हो, थ्योरी का हो, रिपेयरिंग का हो, तो आज मैं बताने वाला हूँ कि माइक को कैसे प्रॉपर तरीके से फिक्स करेंगे एसएमडी मशीन से ही। कई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसको माइक को फिक्स करने के दौरान माइक को खराब कर देते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा इजी तरीके से कि कैसे आप एसएमडी मशीन से ही माइक को कैसे फिक्स करेंगे, और उस तरीके से यदि अगर आप फिक्स करते हैं तो माइक खराब नहीं होगी। तो ये वीडियो में लास्ट तक बन रहे, अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आते हैं यहाँ पे माइक्रोस्कोप की तरफ और यहाँ पे समझते हैं कि कैसे माइक को फिक्स करते हैं बाय एसएमडी मशीन के द्वारा। तो यहाँ पे हम ये माइक है एसएमडी माइक, तो इसको निकालेंगे। यहाँ पे माइक को निकालने के लिए टेम्परेचर रखे हैं 350 और एयर को रखे हैं नॉर्मल 3-4 के बीच। उसके बाद सिंपली आपको हीट देना है। ध्यान दीजिए, अगर आप माइक को निकालते समय फ्लक्स नहीं भी लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। और माइक को जब भी निकालें कोशिश करें स्लाइड करके निकालें, या फिर आप पकड़ें तो बिल्कुल नीचे से बोर्ड से टच होकर के पकड़ें। कई बार ऐसा होता है कैप निकल जाता है उसके बाद ये निकलता है, तो अगर आपको पूरा निकलना है तो कोशिश कीजिए स्लाइड करें। आप ऐसे हिट देते रहिए और ऐसे स्लाइड कर लीजिए, जैसे देख सकते हैं कि बिल्कुल प्यार से ये निकल गया, ठीक है, बिल्कुल प्यार से निकल गया। और लगाते समय भी आप कोशिश करें फ्लक्स पेस्ट का यूज ना करें। अब यहाँ पे हम पॉइंट को हल्के हल्के बना लेंगे, जितने पॉइंट है सभी पॉइंट को अच्छे से बना लेंगे हम। यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट का यूज करेंगे पॉइंट बनाने के लिए, फिर बाद में हम साफ कर लेंगे। ज्यादा नहीं, हल्के हल्के आपको शोल्डिंग में लगानी है, ज्यादा नहीं लगानी है। इस पे ज्यादा लग गया तो थोड़ा कम कर देंगे हम। उसके बाद इसको हम क्लीन कर लेंगे थिनर से, और क्लीन करने के बाद हम माइक को फिक्स करेंगे यानी नया लगाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे वो ध्यान दीजिए, क्योंकि फिक्सिंग के टाइम में ही खराब हो जाता है जल्दी, तो इसको हम साफ कर लेंगे। और साफ करने के बाद जैसे हमने माइक को निकाले थे वैसे ही लगाना है, जैसे ये पॉइंट इधर की तरफ होनी चाहिए, ठीक है जी। तो आपको अच्छे से पकड़ कर रखे रहना है, पहले हमें हीट देकर के इसको मेल्ट कर लेना है। यहाँ पे हीटिंग हम कम रखेंगे, 320-330 के आसपास रखेंगे। पहले इसको हीट देकर के मेल्ट कर लेंगे, जैसे ये मेल्ट होगा माइक उसके ऊपर चिपका देंगे। तो यहाँ पे वेट करेंगे, देखिए मेल्ट होना स्टार्ट हुआ, देख सकते हैं यहाँ पे मेल्ट होना स्टार्ट हुआ। जैसे ये मेल्ट हुआ माइक वहां पे आराम से ऐसे ले जाएंगे, मशीन को वहां से हटा देंगे बैलेंस बना करके, ठीक है। तो ऐसे अगर आप लगाते हैं तो माइक खराब नहीं होगी, बिल्कुल आराम से लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे आप इजी तरीके से लगा सकते हैं। पहले आप सोल्डिंग को मेल्ट कर लीजिए, उसके ऊपर चिपका दीजिए। अब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ये माइक लग गई, ठीक है। तो ऐसे प्रैक्टिस करने के लिए आप कंपोनेंट भी कर सकते हैं। पहले आप कंपोनेंट को मेल्ट करके निकाल लीजिए, हीट दे करके निकाल लीजिए, फिर लगाइए, ताकि आप कंपोनेंट पे जब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसके द्वारा आप माइक को भी बिल्कुल आसानी से निकाल कर लगा सकते हैं। तो कंपोनेंट में कैसे करना है, वैसे ही करना है सिंपली, कि हमें क्या करना है कि इस तरीके से निकालना है, निकल गया। फिर इसको मेल्ट कीजिए, जैसे सोल्डिंग मेल्ट होगी उसके ऊपर हम कंपोनेंट को ऐसे चिपका देंगे। तो ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इस तरीके से आप माइक भी निकाल कर लगा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सोल्डिंग मेल्ट होना स्टार्ट हुआ। अब जैसे ये मेल्ट हुआ आराम से ये कंपोनेंट को वहां पे रखिए और मशीन को हटा दीजिए। ध्यान दीजिए इसके लिए ट्वीजर आपके पास अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे अभी हम ये इसको सोल्डिंग को मेल्ट करेंगे, जैसे ये मेल्ट होगा, ठीक है ना, आराम से वहां जाकर के ऐसे रख देंगे और मशीन को वहां से हटा देंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम विजिट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट्स और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।